राहुल सरकार ने जब से खेत में पराली जलाने को मना किया है तब से पराली को समेटना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं तो खेत में से पूरा ट्रक भर के पराली ले आया और ये मैं काम अकेले नहीं कर पाता अगर तुम लोग साथ नहीं देते। राहुल तुम ऊपर बैठे अखिलेश योगी जी और लालू जी तुम लोगों ने मेरी बहुत सहायता की इस पराली को लाने में। अरे मोदी जी हमने सहायता तो की लेकिन तुमने हमें कहाँ बैठा दिया है ऊपर ट्रक के ऊपर। राहुल को अंदर आराम से ट्रक के अंदर बैठा दिया है। हम क्या तुम्हारे दुश्मन है? सही कह रहे हो अखिलेश तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेहनत तो हमने भी बहुत की है इनका ट्रक में पराली भरवाने में लेकिन उन्होंने हमें ऊपर बैठा दिया और राहुल को अंदर बैठा दिया ट्रक के अंदर। अरे योगी जी ये मोदी जी पूरे ट्रक में पराली भर के आबादी में ले जा रहे हैं। ये तो ट्रक को रास्ते में कोई दूसरा वाहन निकलने तक की जगह नहीं है। पूरे रोड को ब्लॉक करते हुए चल रहे हैं कहीं इनका चालान ना कट जाए। अरे चालान का नाम लिया ये देखो केजरीवाल इंस्पेक्टर जी ट्रक को रुकवाने लगे। रोको भाई रोको मोदी जी रोको रोको ट्रक को रोको। जी सर जी बोलिए क्या बात है? कोई गलती कर दी हमने? अगर कोई गलती की हो बताइए हमें। अरे कोई गलती कर दी ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही मोदी जी? अपने ट्रक को बिल्कुल पराली से ओवरलोड करके और ऊपर सवारी भी बैठा ले हुए हो तुम। अरे कहीं तुम्हारा ट्रक पलट उलट गया तो कितनी चोट लगेगी इन सवारियों को जो ऊपर बैठी हुई है और ऊपर से तुम आबादी में ले जा रहे हो इतना भरा हुआ ट्रक। रोको तुम्हारा चालान काटूंगा। अरे सरकार ने पराली जलाने को मना किया है हम खेत की पराली तो ही भर के ले जा रहे हैं ट्रक में। ये बताओ खेत में भी पराली को जलाएंगे नहीं और ट्रक में भर के ले नहीं जाएंगे फिर क्या करेंगे हम पराली का? अरे तुम भर के कहीं पे ले जाओ पराली को लेकिन आबादी में इतना भारी ट्रक भर के कहाँ ला रहे हो? लेडी सब इंस्पेक्टर सोनिया जी इनके ट्रक के कागज देखकर इनका चालान करो। अरे मेरे बेटे राहुल तू मोदी जी के साथ कहाँ फिर रहा है? तू भी इनकी बातों में आता है इनका अभी चालान काटती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी इनके ट्रक का चालान मत काटो। ये हमें 200 की दिहाड़ी पर अपने ट्रक में खेत से पराली भरवाने के लिए ले गए थे। ये हमें 200 रुपए दे रहे हैं इनका चालान मत काटो। भाई लोगो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे भाई मोदी जी इस ट्रैक्टर को रोक लो रोक लो। अरे हमें कहाँ बैठा रखा है तुमने? एक तो इतना भूसा लाद रखा है इस अपने ट्रैक्टर में ऊपर से भूसे के ऊपर हमें बैठा रखा है। अरे रोक लो रोक लो। तुमने अखिलेश और राहुल को तो ट्रैक्टर पे बैठा रखा है हमें पीछे ट्राली के ऊपर भूसे के ऊपर बैठा रखा है। हम नहीं बैठेंगे कहीं गिरोर गए तो झेल लो। अरे लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी। मैं तो भैया ये काम छोड़ रहा हूँ मैं भूसे का काम नहीं करूंगा। अरे भूसे का बिजनेस तुम कर रहे हो मोदी जी हमारी जान जोखिम में डाल रहे हो। अरे हमें कहाँ बैठा रखा है ऊपर बिल्कुल भूसे के ऊपर। अरे सही कह रहे हो योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हो। एक तो इन्होंने अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली में इतना भूसा लाद रखा है ऊपर से भूसे के ऊपर अपनों को बैठा दिया है। अरे सवारी भी भरपूर है और भूसा भी भरपूर है जी। है तो खतरे का काम कितना लोड लाद रखा है तुमने अपने ट्रैक्टर में। देखो पीछे ट्रॉली पे कितना भूसा है भूसा कम लाद लिया करो अपने ट्रैक्टर में। राहुल तुम्हारी सोच तुम्हारे तक है और मेरी सोच मेरे तक है। मेरे बिजनेस में तुम अपनी टांग मत अड़ाओ। अगर मैं कम भूसा ढोके ले जाऊंगा तो मुझे फायदा कहाँ हो जाएगा? मुझे ज्यादा ही भूसा ले जाना पड़ता है फैक्ट्री में तभी अच्छा फायदा होता है। अरे मोदी जी फायदे को देखोगे या किसी की जिंदगी को देखोगे? ऊपर तुमने ट्रॉली के ऊपर भूसे पर देखो कितने लोगों को बैठा रखा है। अमित शाह जी भी बैठे हैं केजरीवाल जी भी बैठे हैं योगी जी भी बैठे हैं लालू जी भी बैठे हैं और बहुत सारे लोग पीछे को बैठे हुए हैं। इन सब की जान जोखिम में क्यों डालते हो? कभी चालान उलान कट जाएगा तुम्हारा। अरे इंस्पेक्टर साहब मिल गए मनमोहन सिंह इंस्पेक्टर साहब। रोको रोको अपने ट्रैक्टर को रोको रोको मोदी जी रोको। जी बोलिए मनमोहन सर जी। कैसे रोका मुझको? दोबारा रोक रहे हो तुम मुझे? पिछली बार भी तुमने रोका था। अरे पिछली बार रोकने की बात कर रहे हो मोदी जी? पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। आज मैं तुम्हारा चालान काटूंगा। तुम इन लोगों की जान जोखिम में डालते हो। इतना भयंकर भूसा भर रखा है तुमने अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली में और उसके ऊपर इन लोगों को बैठा रखा है। अरे कहीं पलट उलट गई है तुम्हारी ट्रॉली तो कितने लोगों को चोट लगेगी? उस दिन तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा चालान काटूंगा ही काटूंगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो।